जय भारत जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि हमारा टाइटल है, आज उस टाइटल के मुताबिक, उस टाइटल के संदर्भ में आपसे बात करना चाह रहा हूँ, कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जैसा कि लिखा है कि आप 10-20 हज़ार रुपये लगा करके अपना ट्रेनिंग सेंटर, अपना इंस्टीट्यूट या अपना ट्रेनिंग कॉलेज ओपन कर सकते हैं, ये बिल्कुल सच है। आप बहुत कम पैसे में अपना ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए एक बेहतरीन वे है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हालांकि ट्रेनिंग कॉलेज, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग सेंटर खोलना बहुत आसान बात नहीं है, उसमें लाखों रुपए का खर्च होता है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा वे बताने जा रहा हूँ आज, जिसमें आप 10-20 हज़ार रुपये लगा करके भी गवर्नमेंट के साथ जुड़ करके अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, अपना ट्रेनिंग कॉलेज खोल सकते हैं। जी हाँ, ये वे क्या है? ये वे है NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन क्या, आपने सुना होगा, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। ये पहले, ये दो किस्म के कोर्स इसमें चलाए जाते हैं खास करके, जैसे एक तो फंडिंग मोड पर, गवर्नमेंट फंडिंग मोड पर होता है, जहाँ 3-3.5 महीने के कोर्सेज कराए जाते हैं और उसका फंड गवर्नमेंट देती है। और इसने अब NSDC ने फीस मॉड्यूल पे कोर्स शुरू करे हैं 1 ईयर डिप्लोमा से। ये डिप्लोमा में कई डिप्लोमा ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अटेम्प्ट करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में तो आप बहुत अच्छे काम कर ही सकते हैं। 1 ईयर डिप्लोमाज हैं ये, जो बहुत सस्ते हैं, बच्चों के लिए बहुत कम फीस में इन कोर्सेज को शुरू किया गया है। इन्हें आप NSDC से लेकर के अपना ट्रेनिंग सेंटर, अपना ट्रेनिंग कॉलेज ओपन कर सकते हैं। ये कैसे किया जाता है? असल में NSDC ने अपने बहुत सारे ट्रेनिंग पार्टनर्स बना रखे हैं। ट्रेनिंग पार्टनर्स बहुत बड़ी हैसियत के जो इंस्टीट्यूट होते हैं उन्हें अपना ट्रेनिंग पार्टनर्स बनाया जाता है। वो ट्रेनिंग पार्टनर्स फिर ट्रेनिंग सेंटर्स ओपन करते हैं। इसी तरह से एक बतौर ट्रेनिंग पार्टनर हम भी काम कर रहे हैं NSDC के साथ। NSDC मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इसका पूरा नाम है। इसके साथ आप जुड़ के किसी भी TP से, ट्रेनिंग पार्टनर से आप जुड़ करके अपना ट्रेनिंग सेंटर ओपन कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे 29 सेक्टर काउंसिल्स NSDC ने बनाई, यानी जितने भी भारत में काम धंधे हैं सबको इसने, सब पर सेक्टर काउंसिल्स कायम कर दी। जैसे बहुत सारे कोर्सेज आप इसमें कर सकते हैं, जैसे ऑटोमोटिव है, फायर एंड सेफ्टी है, हेल्थ केयर है, जो हेल्थ केयर में पैरामेडिकल है, नर्सिंग है, IIT के कोर्सेज हैं, ऐसे 39 किस्म की सेक्टर काउंसिल्स के तकरीबन 1900 कोर्स NSDC चला रहा है। आप उससे जुड़कर अपना ट्रेनिंग सेंटर खोलकर, ट्रेनिंग कॉलेज खोलकर बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हैं और बहुत अच्छा जो है बिजनेस कर सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि ट्रेनिंग सेंटर कैसे खोलें? तो इसके लिए एक बात तो ये कि हमने डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए हैं, आप उस नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट करके ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। उसका तरीका यह है कि अगर आपके पास कोचिंग इंस्टीट्यूट है पहले से, या आपके पास स्कूल है, या आप कोई इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो ये बहुत आसान है। आपका 10-12 का स्कूल है तो और भी ज़्यादा आसान है। और अगर ये भी नहीं है आपके पास, तो आप कहीं भी कोई किराए की बिल्डिंग ले सकते हैं जिसमें एक काउंसलिंग रूम हो, एक प्रिंसिपल रूम हो, एक वहाँ पर बड़ा स्टडी रूम हो, उसमें जो है विथ फर्नीचर स्टडी रूम हो, उसमें वॉशरूम हो लेडीज जेंट्स अलग अलग, इसके अलावा पानी की पूरी सुविधा हो, बच्चों के लिए पार्किंग की सुविधा हो, अगर एक ऐसी कोई बिल्डिंग हो तो उसमें आप एक लेब डाल के, जैसे आप फायर सेफ्टी ओपन करना चाहते हैं तो फायर सेफ्टी की एक लेब बना करके वो कोर्सेज ओपन कर सकते हैं। वहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर के बच्चों को 15-20 दिन की ट्रेनिंग करा सकते हैं। अगर आप हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं तो उसके साथ किसी हॉस्पिटल से जुड़ के काम कर सकते हैं। उसमें जो बच्चे हैं एक्स रे टेक्नीशियन के बनना चाहते हैं, जो लेब टेक्नीशियन 1 ईयर डिप्लोमा करना चाहते हैं, जो नर्सिंग के कोर्स करना चाहते हैं, उनको आप उन हॉस्पिटल से अटैच करके ये कोर्स करा सकते हैं। ये बहुत आसान है, इसमें सिर्फ 10-20 हज़ार रुपये खर्च होते हैं और आपका इंस्टीट्यूट खड़ा हो जाता है। अगर आप भी वाकई में इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, भारत सरकार के इस मिशन के साथ, NSDC वाले इस मिशन के साथ, स्किल डेवलपमेंट के इस मिशन के साथ कदम से कदम बढ़ा के साथ चलना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर दिया गया है, उस डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर निकाल के आप हमें फ़ोन करें और ज़्यादा जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। जय भारत, जय हिंद।